बिहार की धरती का सियासत में बड़ा दखल रहा है, जहां से निकला संदेश देश की राजनीति पर असर डालता है। शायद यही वजह है कि चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने भी सीएम नीतीश की पीठ थपथपाकर विपक्षियों को सख्त संदेश दे दिया है कि राज्य सरकार के पीछे केंद्र सरकार मजबूती से खड़ी है। पीएम से तारीफ सुनने पर ऐसा लग रहा था कि मानो नीतीश कुमार का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया हो। संकल्पबद्ध होकर, समयबद्ध होकर मैं नीतीश जी के धैर्य और उनके कुशल प्रशासन की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। वो जिस तरह से बिहार की भ्रष्ट और असामाजिक ताकतों से लड़ रहे हैं, वो आसान नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके स्वच्छता अभियान को, सामाजिक बदलाव के लिए की जा रही उनकी कोशिशों को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही एनडीए सरकार संकल्पबद्ध होकर, समयबद्ध होकर के कार्य कर रही है। पीएम मोदी ने लगे हाथ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। संसद में गतिरोध को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा और सरकार के काम में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने की संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है, लेकिन इससे दिक्कत उन लोगों को होने लगी है जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो गरीब को सशक्त होते नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि गरीब अगर मजबूत हो गया तो वो झूठ नहीं बोल पाएंगे, उसे बहका नहीं पाएंगे। इसलिए सड़क से लेकर संसद तक सरकार के नाकाम के अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। आपको बता दें, बजट सत्र का दूसरा चरण पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया था, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है। वहीं पीएम मोदी ने नीतीश की तारीफ कर एनडीए की एकजुटता का संदेश भी विपक्षी पार्टियों को दे दिया है।